हेलो एवरीवन। तो आज फिर से मैं लेके आ गई हूँ आप लोगों के लिए लंबे बालों के लिए हेयर स्टाइल। अगर आपके बाल लंबे हैं तो ये हेयर स्टाइल बहुत ज़्यादा सूट करने वाला है आपके ऊपर। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि इसी तरह की न्यू न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। वीडियो को कर दीजिएगा अभी से लाइक क्योंकि हेयर स्टाइल काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और आप खुद से बना लोगे। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग। यहाँ से मैं इस तरीके से लेयर को लूँगी। ओके, थ्री पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये टू पार्ट्स में है और इसको इधर से ऐसे सॉरी ऊपर से नीचे की तरफ लेके आएंगे एंड यहाँ से फ्रंट से हेयर को लेके जाएंगे और इसमें मिक्स करेंगे। अगेन इस तरीके से बनाएंगे, फिर से हेयर को इसमें लेके जाएंगे। ऐसे ही करके आपको फ्रंट चोटी बनाते जानी है। हाँ, और छोटे माथे के लिए कमेंट आया था कि छोटा फोरहेड हो तो हमको कैसा हेयर स्टाइल बनाना चाहिए। बड़े के लिए तो सभी बताते हैं, तो ये वाला हेयर स्टाइल जो है वो छोटे फोरहेड में भी काफ़ी अच्छा लगेगा छोटे माथे के लिए। तो इस तरीके से आपको पूरा चोटी को गूंथते जाना है आपके ईयर तक। तो पूरा चोटी को इस तरीके से गूंथ लेंगे और फ्रंट से थोड़ा थोड़ा इसको लूज कर देंगे ताकि ये समझ में आए कि हमने फ्रंट चोटी बनाई हुई है यहाँ पे। ओके, अब इसको ले जाएंगे बैक साइड में और यहाँ पे इस तरीके से हमने ये पूरी चोटी पर गूंथ लिया है। अब यहाँ पे क्लिप से इसको सिक्योर कर दीजिए। सेम इसी तरीके से आपको दूसरी साइड भी गूंथना है। थ्री पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इस तरीके से पूरा गूंथ लिया हमने। अब जो हमने पहले चोटी बनाई थी उसी चोटी के ऊपर इसको भी लेके जाएंगे। ओके, और सेंटर में फिर से क्लिप से इसको सिक्योर कर देंगे। यहाँ से हम लोग थोड़ा सा हेयर को उठाएंगे और इस तरीके से चोटी बनाना स्टार्ट करेंगे फ्रंट चोटी। और साइड साइड से थोड़े थोड़े से हेयर इसके साथ ऐड करते जाएंगे। पूरा चोटी को इसी तरीके से गूंथेंगे नीचे तक। अगर आपके बाल कमर से नीचे हैं तो ये वाला हेयर स्टाइल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरे तो छोटे हैं बट मैंने लंबे बालों के लिए वाला हेयर स्टाइल बताया है। यहाँ पे हम लोग लगाएंगे एक रबर बैंड। आप नीचे तक लंबे लंबे हेयर है तो इसी तरीके से गूंथ लीजिएगा। गूंथने के बाद इसको थोड़ा थोड़ा सा लूज कर देंगे और जो नीचे के हेयर हैं इसमें से थोड़ा सा हेयर लेंगे
आप चाहो तो यहाँ पे पतला वाला रबड़ बैंड यूज कर सकते हो, जिससे कि आपका जो रबड़ है वो अच्छे से हाइड हो जाए। और यहाँ पे यूपिन से इसको हाइड कर देंगे रबड़ बैंड को। तो कैसा लग रहा है आपको ये हेयर स्टाइल? आज आपकी पसंद आया, बड़े बालों के लिए, वेडिंग पार्टी के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा ये हेयर स्टाइल। और सबसे अच्छी बात है कि आप सेल्फ कर सकते हो, खुद से बना सकते हो, तो काफ़ी इजी भी है। तो वीडियो आई होप की पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक से जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। और लंबे बाल रहेंगे कमर से नीचे तक तो काफ़ी अच्छा लगेगा ये हेयर स्टाइल आप पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। साइड पार्टीशन लेके आपको इस तरीके से क्राउन लेते थे, थोड़े थोड़े से हेयर लेने हैं। देखिए यहाँ से इस तरीके से लंबे में हेयर को उठाएंगे और इस तरीके से ट्विस्ट करेंगे। ट्विस्ट करके हल्का सा आगे की तरफ पुल करेंगे, अभी सारे हेयर को एक साथ ही क्लचर से इस तरीके से ऐड करते जाएंगे ताकि ये हमारा खुल ना जाए। एक साथ ही क्लिप लगानी है और फिर से सेकंड लेयर लिया है और इसको दोबारा से ट्विस्ट करना स्टार्ट करेंगे जैसे हमने फर्स्ट लेयर को किया था, और हल्का सा खींच देंगे ऐसे और इसको भी क्लचर में ऐड कर लेंगे। थर्ड लेयर लेंगे, इसी तरीके से तीन चार लेयर्स एक साथ लेने हैं और बनाते जाना है। फिर से फोर्थ लेयर लिया है एंड इसको ट्विस्ट कर लिए हैं। और फ्रंट से लेयर को इस तरीके से, और फ्रंट के हेयर को ऐसे ही छोड़ देंगे, आपने लेयर कट किए हैं तो। अब सारे लेयर्स को ओपन करेंगे और एक साथ पकड़ लेंगे, ओके, कुछ इस तरीके से पकड़ेंगे और यहाँ पे आप क्लिप से इसको सिक्योर कर दोगे। क्लिप को हमेशा क्लॉक में लगाना है। इस साइड के हेयर जो जैसे हैं वैसे ही छोड़ देंगे। अब ये जो हेयर है इनको उठाएंगे और थ्री पार्ट्स में डिवाइड करके सिंपल चोटी बनाना स्टार्ट करेंगे। छोटे बालों के लिए बेस्ट रहेगा ये हेयर स्टाइल। और इस तरीके से इसको राउंड राउंड घुमाएंगे और जहां पे हमने क्लिप लगाई है वहीं पे रख के और यूपिन से इसको सिक्योर कर देंगे। इसका लुक कुछ इस तरीके का आ जाएगा। अब दूसरी साइड से कैसे करना है वो भी बता रही हूँ। आप चाहो तो फ्रंट का जो हेयर है इसको ऐसे ले जाके ईयर के पीछे भी रख सकते हो। अब दूसरी साइड का जो हेयर है इसको भी आप ऐसे ही करोगे। फिर सेकंड लेयर को ट्विस्ट करेंगे फिर से थर्ड लेयर को ट्विस्ट करेंगे। अच्छे से फिर तीनों को एक साथ ले लेंगे और बैक में लेके जाएंगे और यहाँ से हेयर को उठा देंगे और फिर से इसको सिक्योर कर देंगे।
और जो हमने हेयर हटाया था उसको उसके ऊपर से फिर से क्लिप को हाइड कर देंगे। तो इसका जो लुक है कुछ इस तरीके का आएगा। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा हेयर स्टाइल, काफ़ी इजी है और स्टाइलिश भी है। आप इधर से लेयर को ऐसे भी रख सकते हो, लॉन्ग फेस पे बेस्ट रहेगा ये हेयर स्टाइल। लंबे चेहरे के लिए तो चलते हैं थर्ड हेयर स्टाइल की तरफ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति तिवारी, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ब्यूटीफुल बन हेयर स्टाइल एंड दो ओपन हेयर स्टाइल। तो अभी मैं आपको क्लचर से बन हेयर स्टाइल बताऊंगी। बहुत इजी है, एवरीडे है, गर्मियाँ चल रही है तो बेस्ट रहेगा। तो आप ये हेयर स्टाइल जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से हेयर स्टाइल को स्टार्ट करेंगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि किसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिलना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके बालों को अच्छे से कॉम करना है। एक सेकेंड, इस तरीके से बालों को ऊपर की तरफ से कॉम करेंगे। यहाँ से ऐसे लेके जाएंगे। आईब्रो का जो आर्च है यहाँ से इस तरीके से हेयर को लिया है, दूसरी साइड से भी यहाँ से लिया है और इस तरीके से हल्का सा ट्विस्ट कर देंगे और हल्का सा आगे की तरफ पुल कर देंगे। इससे एक सुंदर हल्का सा वॉल्यूम आ जाएगा बालों में और काफ़ी अच्छा लगेगा। आपको नीचे की तरफ एक पिन लगाना है, बॉबी क्लिप दूसरी साइड भी अच्छे से चेक करेंगे कहीं आपकी स्कैल्प तो नहीं दिख रही। अब हम लोग सारे बालों पे एक पोनी बनाएंगे। ओके, जहाँ पे आपका रबर बैंड है वहाँ तक पोनी के हेयर को लेके जाएंगे और रबड़ से अच्छे से सिक्योर कर लीजिए सारे बालों को। अब आप यहाँ पे बड़ा क्लचर भी यूज कर सकते हो, छोटा भी यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे ये वाला क्लचर यूज कर रही हूँ। इसको आपको अपने बालों को इस तरीके से लगाना है, आप चाहो तो ऐसे भी लगा सकते हो। ओके, इस तरीके से लगाने के बाद से बालों को एकदम लूज ही, ज़्यादा टाइट नहीं करना, लूज ही इस तरीके से लेके जाएंगे। लूज ही से रखना है ताकि जो हमारा वॉल्यूम है बालों का वो कम ना हो। अगर आपका बड़ा हेयर है तो भी बहुत प्यारा हेयर स्टाइल बनेगा, छोटा है तो भी बहुत प्यारा बनेगा। अब आपको जगह जगह पर इस तरीके से यू पिन लगा देना है और ये पिन लगाते टाइम ध्यान दीजिएगा कि आपका जो ऊपर का पिन था बॉबी क्लिप वो अच्छे से हाइड हो जाए। इस तरीके से आपको अच्छे से यू क्लिप लगा लेना है बॉबी क्लिप, और बहुत ही इजी है, बहुत ही कंफर्टेबल है और गर्मियों के लिए बेस्ट रहेगा। और साड़ी पे भी आप इसको बना सकते हो, सूट पे भी बना सकते हो, कहीं शॉपिंग वगैरह करने जा रहे हो, कोई हैवी हेयर स्टाइल नहीं चाहते हो और चाहती भी नहीं चाहते हो कि बाल आपके फेस पे आए, गर्दन पे आए, तो आप इस तरीके से बना सकते हो। तो कैसा लग रहा है आपको आज का हेयर स्टाइल? आई होप कि पसंद आया हो और बहुत ईजी है साड़ी के लिए, सूट के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति तिवारी और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ खुले बालों के लिए और छोटे बालों के लिए दो ब्यूटीफुल से हेयर स्टाइल। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि वीडियो होने वाली काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल। वीडियो को अभी से कर दीजिए लाइक और वीडियो होने वाली काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल, तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जिनके भी छोटे बाल हैं एंड वो हेयर स्टाइल करने में कन्फ्यूज हैं तो ये हेयर स्टाइल उन लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको साइड पार्टीशन लेना है बालों का,
ओके साइड पार्टीशन लेके आपको इस तरीके से क्राउन लेते थे, थोड़े थोड़े से हेयर लेने हैं। देखिए यहाँ से इस तरीके से लंबे में हेयर को उठाएंगे और इस तरीके से ट्विस्ट करेंगे। ट्विस्ट करके हल्का सा आगे के साथ पुल करेंगे। अभी सारे हेयर को एक साथ ही क्लचर से इस तरीके से ऐड करते जाएंगे ताकि ये हमारा खुल ना जाए। एक साथ ही क्लिप लगानी है और फिर से सेकंड लेयर लिया है और इसको दोबारा से ट्विस्ट करना स्टार्ट करेंगे जैसे हमने फर्स्ट लेयर को किया था। और हल्का सा खींच देंगे ऐसे और इसको भी क्लचर में ऐड कर लेंगे। थर्ड लेयर लेंगे इसी तरीके से, तीन चार लेयर्स एक साथ लेने हैं और बनाते जाना है। फिर से फोर्थ लेयर लिया है एंड इसको ट्विस्ट कर लिए हैं। और फ्रंट से लेयर को इस तरीके से और फ्रंट के हेयर को ऐसे ही छोड़ देंगे, अपने लेयर कट किए हैं तो। अब सारे लेयर्स को ओपन करेंगे और एक साथ पकड़ लेंगे। ओके कुछ इस तरीके से पकड़ेंगे और यहाँ पे आप क्लिप से इसको सिक्योर कर दोगे। क्लिप को हमेशा क्रॉस में लगाना है। ओके और इस साइड के हेयर जो जैसे हैं वैसे ही छोड़ देंगे। अब ये जो हेयर है इनको उठाएंगे और थ्री पार्ट्स में डिवाइड करके सिंपल चोटी बनाना स्टार्ट करेंगे। छोटे बालों के लिए बेस्ट रहेगा ये हेयर स्टाइल। और इस तरीके से इसको राउंड राउंड घुमाएंगे और जहां पे हमने क्लिप लगाई है वहीं पे रख के और यू पिन से इसको सिक्योर कर देंगे। इसका लुक कुछ इस तरीके का आ जाएगा। अब दूसरी साइड से कैसे करना है वो भी बता रही हूँ। आप चाहो तो फ्रंट का जो हेयर है इसको ऐसे ले जाके ईयर के पीछे भी रख सकते हो। और दूसरी साइड का जो हेयर है इसको भी आप ऐसे ही करोगे। सेकेंड लेयर को ट्विस्ट करेंगे फिर से थर्ड लेयर को ट्विस्ट करेंगे अच्छे से। फिर तीनों को एक साथ ले लेंगे और बैग में लेके जाएंगे और यहाँ से हेयर को उठा देंगे और ये सेट को सिक्योर कर देंगे। और जो हमने हेयर हटाया था उसको उसके ऊपर से फिर से क्लिप को हाइड कर देंगे तो इसका जो लुक है कुछ इस तरीके का आएगा। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा हेयर स्टाइल। काफ़ी इजी है और स्टाइलिश भी है। आप इधर से लेयर को ऐसे भी रख सकते हो। लॉन्ग फेस पे बेस्ट रहेगा ये हेयर स्टाइल।
लंबे चेहरे के लिए। तो चलते हैं थर्ड हेयर स्टाइल की तरफ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी है। आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ ब्यूटीफुल बन हेयर स्टाइल एंड दो ओपन हेयर स्टाइल। तो अभी मैं आपको क्लचर से बन हेयर स्टाइल बताऊंगी। बहुत इजी है, एवरीडे है, गर्मियाँ चल रही है तो बेस्ट रहेगा। तो आप ये हेयर स्टाइल जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से हेयर स्टाइल को स्टार्ट करेंगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि इसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके बालों को अच्छे से कॉम करना है। एक सेकेंड, तरीके से बालों को ऊपर की तरफ से कॉम करेंगे। यहाँ से ऐसे लेके जाएंगे। आईब्रो का जो आर्च है यहाँ से इस तरीके से हेयर को लिया है, दूसरी साइड से भी यहाँ से लिया है और इस तरीके से हल्का सा ट्विस्ट कर देंगे और हल्का सा आगे की तरफ पुल कर देंगे। इससे एक हल्का सा वॉल्यूम आ जाएगा बालों में और काफ़ी अच्छा लगेगा। आपको नीचे की तरफ एक पिन लगाना है, बॉबी क्लिप, दूसरी साइड भी अच्छे से चेक करेंगे कहीं आपकी स्कैल्प तो नहीं दिख रही। अब हम लोग सारे बालों पे पोनी बनाएंगे। ओके, यहाँ पे आपका रबर बैंड है वहाँ तक पोनी के हेयर को लेके जाएंगे और रबड़ से अच्छे से सिक्योर कर लीजिए सारे बालों को। अब आप यहाँ पे बड़ा क्लचर भी यूज कर सकते हो, छोटा भी यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे ये वाला क्लचर यूज कर रही हूँ। इसको आपको अपने बालों पे इस तरीके से लगाना है। आप चाहो तो ऐसे भी लगा सकते हो। ओके, इस तरीके से लगाने के बाद बालों को एकदम लूज ही, ज़्यादा टाइट नहीं करना, लूज ही इस तरीके से लेके जाएंगे। लूज इसके रखना है ताकि जो हमारा वॉल्यूम है बालों का वो कम ना हो। अगर आपका बड़ा हेयर है तो भी बहुत प्यारा हेयर स्टाइल बनेगा, छोटा है तो भी बहुत प्यारा बनेगा। अब आपको जगह जगह पे इस तरीके से यू पिन लगा देना है और यू पिन लगाते टाइम ध्यान दीजिएगा कि आपका जो ऊपर का पिन था बॉबी क्लिप वो अच्छे से हाइड हो जाए। इस तरीके से आपको अच्छे से यू क्लिप लगा लेना है, बॉबी क्लिप। और बहुत ही इजी है, बहुत ही कंफर्टेबल है और गर्मियों के लिए बेस्ट रहेगा। और साड़ी पे भी आप इसको बना सकते हो, सूट पे भी बना सकते हो। कहीं शॉपिंग वगैरह करने जा रहे हो, कोई हैवी हेयर स्टाइल नहीं चाहते हो और ये भी नहीं चाहते हो कि बाल आपके फेस पे आए, गर्दन पे आए, तो आप इस तरीके से बना सकते हो। तो कैसा लग रहा है आपको आज का हेयर स्टाइल? आई होप कि पसंद आया हो। और बहुत इजी है, साड़ी के लिए सूट के लिए बेस्ट रहेगा, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और फेशियल से रिलेटेड और वीडियो, फेशियल से रिलेटेड और वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुकी है तो जाके चेक जरूर कर लीजिएगा। तो हेयर स्टाइल अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, एक क्लचर से बनाना बहुत इजी है, इजी हेयर स्टाइल है। तो इसी तरीके की इजी हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए मेकअप से रिलेटेड, ब्यूटी पार्लर कोर्स से रिलेटेड, फेशियल से रिलेटेड ऑल टाइप वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी ब्यूटी पार्लर कोर्स से रिलेटेड। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कीजिएगा क्योंकि आप एक लाइक से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और हम लोग बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर आते रहते हैं। तो लाइफ से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए मेरे सेकंड चैनल पर जाइए, प्रीत तिवारी 2 सेकेंड चैनल का नेम है। बाय बाय। हेलो एवरीवन, तो आज फिर से मैं लेके आ गई हूँ आप लोगों के लिए लंबे बालों के लिए हेयर स्टाइल। अगर आपके बाल लंबे हैं तो ये हेयर स्टाइल बहुत ज़्यादा सूट करने वाला है आपके ऊपर। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि इसी तरीके की नई नई वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। वीडियो को कर दीजिएगा अभी से लाइक क्योंकि हेयर स्टाइल काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और आप खुद से बना लोगे। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग। यहाँ से मैं इस तरीके से लेयर को लूँगी। ओके, थ्री पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये टू पार्ट्स में है और इसको इधर से ऐसे, सॉरी, ऊपर से नीचे की तरफ लेके आएंगे एंड यहाँ से फ्रंट से
हेयर को लेके जाएंगे और इसमें मिक्स करेंगे। अगेन इस तरीके से बनाएंगे, फिर से हेयर को इसमें लेके जाएंगे। ऐसे ही करके आपको फ्रेंच चोटी बनाते जानी है। हाँ, और छोटे माथे के लिए कमेंट आया था कि छोटा फोरहेड हो तो हमको कैसा हेयर स्टाइल बनाना चाहिए। बड़े के लिए तो सभी बताते हैं, तो ये वाला हेयर स्टाइल जो है वो छोटे फोरहेड पे भी काफ़ी अच्छा लगेगा, छोटे माथे के लिए। तो इस तरीके से आपको पूरा चोटी को गूंथते जाना है आपके ईयर तक। तो पूरा चोटी को इस तरीके से गूंथ लेंगे और फ्रंट से थोड़ा थोड़ा इसको लूज कर देंगे ताकि ये समझ में आए कि हमने फ्रंट चोटी बनाई हुई है यहाँ पे। ओके, अब इसको ले जाएंगे बैक साइड में और यहाँ पे इस तरीके से हमने ये पूरी चोटी का गूंथ लिया है। अब यहाँ पे क्लिप से इसको सिक्योर कर देंगे। सेम इसी तरीके से आपको दूसरी साइड भी गूंथना है। थ्री पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इस तरीके से पूरा गूंथ लिया हमने। अब जो हमने पहले चोटी बनाई थी उसी चोटी के ऊपर इसको भी लेके जाएंगे। ओके, और सेंटर में फिर से क्लिप से इसको सिक्योर कर देंगे। से हम लोग थोड़ा सा हेयर को उठाएंगे और इस तरीके से चोटी बनाना स्टार्ट करेंगे, फ्रेंच चोटी। और साइड साइड से थोड़े थोड़े से हेयर इसके साथ ऐड करके जाएंगे। पूरा चोटी को इसी तरीके से गूंथेंगे नीचे तक। अगर आपके बाल कमर से नीचे हैं तो ये वाला हेयर स्टाइल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरे तो छोटे हैं बट मैंने लंबे बालों के लिए वाला हेयर स्टाइल बताया है। यहाँ पे हम लोग लगाएंगे एक रबर बैंड। आप नीचे तक लंबे लंबे हेयर है तो इसी तरीके से गूंथ लीजिएगा। गूंथने के बाद इसको थोड़ा थोड़ा सा लूज कर देंगे और जो नीचे के हेयर हैं इसमें से थोड़ा सा हेयर लेंगे। आप चाहो तो यहाँ पे पतला वाला रबर बैंड यूज कर सकते हो जिससे कि आपका जो रबर है वो अच्छे से हाइड हो जाए। और यहाँ पे यूपी फेस को हाइड कर देंगे रबर बैंड को। तो कैसा लग रहा है आपको ये हेयर स्टाइल? आई होप की पसंद आया। बड़े बालों के लिए, वेडिंग पार्टी के लिए काफी अच्छा रहेगा ये हेयर स्टाइल। और सबसे अच्छी बात है कि आप सेल्फ कर सकते हो, खुद से बना सकते हो, तो काफ़ी इजी भी है। तो वीडियो आई होप की पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से जरूर कीजिए।
और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। और लंबे बाल रहेंगे कमर से नीचे तक तो काफ़ी अच्छा लगेगा ये हेयर स्टाइल आपके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाय गाइस। हाय फ्रेंड्स, आज फिर से कुछ नया ट्राई करते हैं हेयर स्टाइल में। चैनल बनाया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि इस तरीके की न्यू यूनिक हेयर स्टाइल एंड ब्यूटी पार्लर को से रिलेटेड वीडियो आप लोगों को मिलते रहे, स्किन केयर से रिलेटेड, हेयर केयर से रिलेटेड। तो जल्दी ज़्यादा बातें ना करते, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो सेल्फ में कुछ डिफरेंट लेके आती हूँ मैं, तो इसी तरीके की वीडियो आपको मेरे चैनल पर डे बाई डे मिलते रहती है। तो इस तरीके से फ्रंट से हेयर को ले रही हूँ, ओके, एंड बैक से इस तरीके से पकड़ूंगी वालों को। और एक पतला वाला रबड़ है यहाँ पे लगाऊंगी मैं, ये भी पोनी ही बनेगी आपकी। ओके, और आपको साइड से हेयर को लेना है इस तरीके से और पोनी को टू पार्ट में डिवाइड कर देना है। और इस तरीके से यहाँ पे एक रबड़ लगाएंगे, इसको इस तरीके से कर देंगे ताकि इसकी गैपिंग जो है वो क्लियरली दिखाई दे। अब इसको ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ से फिर से बालों को लेके जाएंगे और यहाँ पे पोनीटेल बनाएंगे। और इसकी गैपिंग में इस तरीके से ट्विस्ट कर देंगे, ओके। अब इन दोनों को पकड़ेंगे और यहाँ पे एक रबर बैंड और लगा देंगे। और इसको सारे हेयर को एक साथ लेंगे और यहाँ पे सारे बालों को पकड़ के पोनी बना देंगे। थोड़ा सा हेयर को लेंगे इस तरीके से ट्विस्टिंग कर देंगे और एक यूपी से इसको सिक्योर कर देंगे। तो ये जो पोनीटेल है ये भी काफ़ी अच्छी लगती है और काफ़ी यूनिक भी है। यहाँ पे अगर आपको लूज लगे तो आप टाइट इस तरीके से कर सकते हो। तो बैक से आता है, फ्रंट से कुछ इस तरीके का लुक आएगा। तो आई होप कि आपको ये भी अच्छा लगा होगा हेयर स्टाइल। तो फिर मिले, हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ इस छोटे वाले डोनट बन पे ब्यूटीफुल बन हेयर स्टाइल और बहुत इजी वे में बताऊँगा, बहुत ही स्टाइलिश है। आप इसको वेडिंग के लिए ट्राई कर सकते हो और अगर आपके बाल बड़े हैं तो आप बड़ा डोनट बन लेके ब्राइडल के लिए भी इसको ट्राई कर सकते हो, या फिर वेडिंग सीजन में कोई पार्टी के लिए आपको बन चाहिए तो आप इस तरीके से ट्राई कर सकते हो। फ्रंट में मैंने कोई हेयर स्टाइल नहीं बनाया था, लेकिन आप फ्रंट में जो चाहो पफ है, ट्विस्टिंग है, जैसे आपको करना है वैसे आप कर सकते हो। मैं यहाँ पे सिर्फ बैक के लिए बता रही हूँ। तो बैक में इस तरीके से आपको ब्राइडल का अपना या फिर साड़ी जो पहन रही है उन पे अगर कुछ डिफरेंट लुक दिखाना है और छोटा डोनट बन है तो आप इस तरीके से हेयर स्टाइल कर सकते हो। छोटे बालों के लिए मैंने छोटा डोनट बन लिया है। अगर आपके बड़े बाल हैं आप बड़ा डोनट बन हाइड कर सकते हो अपने बालों से, तो आप उस तरीके से बड़ा डोनट बन ले लीजिएगा। तो इस तरीके से मैंने डोनट बन को लिया है एंड अच्छे से पोनीटेल के ऊपर लगा दिया है और डोनट बन को ऊपर से इस तरीके से यू पिन से चारों तरफ से सिक्योर कर लेना है, ओके।
जब हम यूपिन लगा देते हैं तो जो हमारा लुक होता है हेयर स्टाइल बन का वो काफ़ी अच्छा आता है। और अगर आप बिना यूपिन लगाए हेयर स्टाइल बनाते हो तो आपके सारे हेयर डोनट बन के अंदर हाइड हो जाते हैं, जिसके वजह से आपका जो लुक है वो जैसा आपको चाहिए वैसा नहीं दिख पाता है। तो इसलिए जब भी आप डोनट बन लगाते हो तो उसको यूपिन से पहले अच्छे से सेट कर लीजिए, उसके बाद आप अपना हेयर स्टाइल कम्प्लीट कीजिए। तो इस तरीके से मैंने डोनट बन को लगा दिया, बालों को टू पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अब एक पार्ट को मैंने लिया है उसको थ्री पार्ट में डिवाइड करेंगे एंड जो हम लोग सिंपल चोटी बनाते हैं वैसे ही सिंपल चोटी बना लेंगे। बिल्कुल आराम आराम से गूंथ लीजिएगा। सेल्फ करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है बट आप ट्राई करोगे तो हो जाएगा। मेरे बाल पहले बहुत पतले थे बट मेरा अब धीरे धीरे ग्रोथ ठीक हो रहा है, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था बट आदिवासी हेयर ऑयल जब से यूज़ कर रही हूँ बालों का क्वांटिटी भी सही हो गया है, बाल के बेबी हेयर्स भी नए उग रहे हैं एंड बाल का वॉल्यूम भी अच्छा हो गया और बाल जो मेरे फ्रिजी थे, बहुत ज़्यादा फ्रिजी थे, वो भी काफ़ी मैनेज लग रहे हैं। तो इस तरीके से चोटी बनाने के बाद बालों को थोड़ा सा लूज किया है ताकि डोनट बन हाइड करने में ज़्यादा दिक्कत ना आए। उसके बाद मैंने इस तरीके से जो एक साइड का हेयर है उसको ऊपर उसके नीचे से चोटी को लेके गई हूँ और डोनट बन को हाइड करने की कोशिश की है और यू पिन से इसको सिक्योर कर देंगे। जितना आप हाइड कर सकते हो उतना आप कर लीजिएगा। आज मैंने क्लचर की मदद से, एक क्लचर से 5 इजी एवरीडे हेयर स्टाइल बताया था फॉर समर, गर्मियों के लिए। तो गर्मियाँ चल रही हैं तो आप इस तरह वो वीडियो जाके ज़रूर चेक कीजिएगा। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है और काफ़ी ईजिली आप इस तरीके से डोनट बन को हाइड भी कर सकते हो और यू पिन से अच्छे से सेट कर लीजिएगा ताकि आपका जो डोनट बन है वो दिखाई ना दे। अब जो बचे हुए हेयर हैं उनको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे एंड सिंपल चोटी गूँथ लेंगे। इस तरीके से सिंपल चोटी गूँथेंगे जैसे हमने पहले किया था वैसे ही करना है और साथ के साथ मैं इसमें लूज करते जा रही हूँ क्योंकि पूरा गूँथने के बाद कई बार हमसे नहीं हो पाता है। तो इसलिए आप साथ के साथ भी इस तरीके से खींच खींच के अपने बालों को का वॉल्यूम ज़्यादा दिखा सकते हो, जिससे कि आपका डोनट बन जो है वो हाइड होने में काफ़ी ज़्यादा इजी रहेगा। इस तरीके से पूरा एंड तक गूंथ लिया है और आप इस तरीके से डोनट बन के ऊपर से इस तरीके से हेयर को लेके जा रही हूँ और जहाँ जहाँ आपको आपका डोनट बन दिख रहा है वहाँ पे आपको चोटी को इस तरीके से रखना है और यू पिन से सिक्योर करते जाना है। तो इस तरीके से सिक्योर करते जाएंगे। अब जहाँ देखिए बीच में थोड़ी सी गैपिंग दिख रही है तो उसको भी इस तरीके से एक साथ करके और यू पिन से सिक्योर कर दीजिए। काफ़ी प्यारा जूड़ा बन के यहाँ पे रेडी हो जाएगा और तो काफ़ी अच्छा भी दिखता है, साड़ी के लिए बेस्ट रहेगा। और साड़ी के साथ आप इसको गजरा या फिर हेयर डेकोरेट करने वाले पिन से डेकोरेट कर लोगे तो काफ़ी प्यारा लगने वाला है। तो कैसा लग रहा है आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया हो और बहुत इजी है, इजी और स्टाइलिश और अच्छा लगा हो पन। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी इस तरीके की इजी हेयर और मेकअप से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए, ब्यूटी पार्लर कोर्स से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स।
एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति वाले, मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ब्यूटीफुल बन हेयर स्टाइल, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक क्लचर की मदद से आप करोगे। कैसे किया है पूरा डिटेल वीडियो बताऊंगी, चैनल को एंड तक वॉच कीजिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि किसी तरीके की इजी हेल्पफुल वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को भरपूर लाइक दीजिएगा, आप लोग के एक लाइक से मेरे पास बहुत ज़्यादा मोटिवेशन बढ़ता है। मैं रात को डेली 9 से 11 बजे के बीच में लाइव आती हूँ, वहाँ पर आपको जो भी डाउट हो, जो भी चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, पूछ सकते हो और कमेंट में भी कमेंट कर सकते हो, ताकि नेक्स्ट टाइम और भी अच्छे से समझाने की कोशिश कर पाऊँ। तो चलिए एक क्लचर से कैसे करेंगे हम लोग मेकअप बताने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने बालों को अच्छे से कॉम करना है एंड रबड़ लगा लेना है। इस तरीके से कॉम करना है। रबड़ आप पतला चौड़ा जो भी यूज करना आप कर सकते हो। तो इस तरीके से मैंने हेयर को रखा है एंड आपको सिंपली क्लचर लेना है। बालों को इस तरीके से अपर डायरेक्शन में करोगे एंड जो हमारा रबड़ बैंड है उसके ऊपर ही इस तरीके से क्लचर को लगा देंगे। ओके, अच्छे से लगाइएगा ताकि जो ऊपर का हेयर है वो अच्छे से पकड़ में आ जाए, ताकि जो यहाँ से हमारा अच्छे से मैनेज हो जाएगा। उसके बाद आपको बालों को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है और इसको ट्विस्ट करना है। ओके, ट्विस्ट करके इस तरीके से नीचे से लेके जाएंगे, देन फिर से ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, देन फिर से नीचे की तरफ लेके जाएंगे एंड यू पिन से सिक्योर कर देंगे। और यहाँ से मेरे बाल छोटे हैं तो ये निकल गए हैं, तो इसको आप अच्छे से मैनेज कर लीजिएगा और फिर यू पिन से सिक्योर कर दीजिएगा। गर्मियों के लिए बेस्ट रहेगा ये हेयर स्टाइल और बहुत ईजी है। आप इसको साड़ी पे, सूट पे कर सकते हो, सूट पहन लो, साड़ी पहन लो तो भी कर सकते हो। जितने क्लचर की आपको ऐड नीड हो उतने क्लचर आप ऐड कर लीजिएगा और इस तरीके से आपका जो बन है वो बन के रेडी हो जाएगा। तो कैसा लग रहा है आपको ये हेयर स्टाइल? आई होप कि पसंद आएगा, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो ये था आज का हेयर स्टाइल। आई होप कि वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर कीजिए, यहाँ से थोड़ा थोड़ा हेयर को खींच लीजिएगा क्योंकि फ्लैट हेयर अच्छे नहीं लगते हैं, तो थोड़ा सा बाउंस दिखे और हेयर लगे कि हाँ वॉल्यूम है बालों में। और इस तरीके से लेयर निकाल लेंगे, थोड़ा और भी अच्छा लुक आ जाएगा इससे। तो ये है फाइनल लुक हेयर स्टाइल का। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए, इसी तरीके की इजी वीडियोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। इसी तरीके की बहुत सारी वीडियोज अपलोड है चैनल पे, तो जाके जरूर देख लीजिएगा। बाय बाय। हाँ, और ये मेकअप मैंने किया है सिर्फ और सिर्फ फाउंडेशन से। तो किस तरीके से आप फाउंडेशन से इतना फ्रेश लुक वाला मेकअप विदाउट हैवी लुक के साथ, मतलब बहुत ही लाइट वेट है, बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि आपने चेहरे पे कुछ लगाया है, और सिर्फ फाउंडेशन से आप ये मेकअप क्रिएट कर सकते हो। नो कॉम्पैक्ट कुछ भी यूज नहीं किया, नो कॉम्पैक्ट है, नो हाइलाइटर, नो ब्लशर, कुछ भी नहीं लगाया है, सिर्फ और सिर्फ फाउंडेशन से। तो कैसे लगाया है वीडियो अपलोड हो चुकी है, जाके चेक जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति वाली और आज मैं आप लोगों का शेयर करने वाली सिर्फ और सिर्फ एक रबर बैंड की मदद से ब्यूटीफुल सा हेयर स्टाइल। इसमें हुक लगी हुई है, सॉरी मैं सिलाई का भी काम करती हूँ तो इसमें हुक वगैरह आ जाता है। तो ये वाला रबर बैंड यूज करना है आपको हेयर स्टाइल के लिए। और ये मेकअप लुक मैंने किया है सिर्फ और सिर्फ फाउंडेशन से, बिल्कुल लाइट वेट है, बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि आपने कुछ चेहरे पर लगाया, बहुत फ्रेश फील हो रहा है। नो ब्लशर है, नो हाइलाइटर है, काजल बस लगाया है एंड कॉम्पैक्ट पाउडर से कैसे बनाना है वीडियो अपलोड हो गई है, तो जाके देख लीजिएगा। और ये हेयर स्टाइल भी कैसे बनाया है एक क्लचर से, तो वो भी जाके चेक कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेयर स्टाइल करने के लिए आपको सबसे पहले अपने बालों को अच्छे से कॉम करना है। आप चाहो तो हाई बन बना सकते हो, चाहो तो लो भी बना सकते हो।
मैं यहाँ पे थोड़ा सा हाई बना रही हूँ, क्योंकि हाई बन बनाती हूँ तो मैं रेस्ट वगैरह करने जाती हूँ तो बाल खराब नहीं होते हैं, वैसे के वैसे रहते हैं, तो मुझे हाई बन ज़्यादा पसंद है और आप लोगों को भी मेरे ऊपर हाई बन ही ज़्यादा पसंद आती है। तो इस तरीके से मैंने लिया है बालों को। और ये वाला हेयर स्टाइल बनाने के लिए आपको ये वाला रबड़ बैंड लेना है, ओके ठीक है। तो चलिए इसको कैसे लगाना है, इतना हाई रखना है ईयर के ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से लगाना है, ओके। उसके बाद थोड़ा थोड़ा हेयर को इस तरीके से खींचना है जिससे कि थोड़ा पफ बन जाए। लेयर निकाल लीजिएगा। अब आपको बालों को सिंपली टू पार्ट्स में डिवाइड करना है। टू पार्ट्स में डिवाइड करके इस तरीके से ऊपर की तरफ से ऐसे ट्विस्ट करते जाना है एंड तक। पूरा एंड तक इस तरीके से ट्विस्ट कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ से खींचना है ताकि थोड़ा सा बड़ा बने हमारा जो बन है, इस तरीके से रखना है। और सिंपली यूपिन लेना है और सिक्योर कर देना है। पहला लेयर लेंगे, यूपिन लगाएंगे, बॉबी क्लिप भी आप यूज कर सकते हो। अब जो हमारा रबड़ बैंड दिख रहा है उसको इस तरीके से यहाँ से लेयर को लेंगे और ऐसे हाइड कर देंगे। और इस तरीके से ये बन बन के रेडी हो जाएगा। ये भी काफ़ी इजी है और काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत आसानी से कोई भी इसको बना सकता है। बेबी हेयर के लिए आप सेटिंग स्प्रे यूज कर सकते हो, अगर सेटिंग स्प्रे नहीं है तो आप मस्कारा यूज कर सकते हो। एक दो यूपिन और लगा लेंगे ताकि जो हमारा हेयर स्टाइल है वो खुले नहीं। रबड़ बैंड को अच्छे से हाइड कर लीजिएगा। इस तरीके से हेयर को लेके जाना है और रबड़ बैंड के ऊपर से जहां भी आपको लगे कि आपको यूपिन की जरूरत है वहां पे आप यूपिन लगा लीजिएगा। तो कैसा लगा आज का हेयर स्टाइल, आई होप कि पसंद आया हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी इस तरीके की इजी एंड में हेयर स्टाइल एंड मेकअप की वीडियोस देखने के लिए। सिर्फ एक रबर बैंड से आप ये हेयर स्टाइल बना सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। रात को 9 से 11 बजे के बीच में लाइव आती हूँ तो ज्वाइन जरूर कीजिएगा। बाय।